तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का इतिहास का पेपर। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, पूरा का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है, आपका देख सकते हो। आप लोग पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका पूरा का पूरा पेपर स्टार्ट होता है। पहले तो आप लोग इसको देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। 3 घंटे का 80 गुणांक आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका पेपर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक एक में आपका है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, अब देखो इसमें अगर पूरा का पूरा पेपर पढ़ के बताएंगे क्वेश्चन तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें आपका भी टाइम बर्बाद होगा और हमारा भी। तो इससे अच्छा है आपकी स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग अपने मोबाइल से याद कर सकते हो या फिर अपनी कॉपी में नोट आप लोग कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक एक में पहले का देख सकते हो, मेसोपोटामिया सभ्यता वाला ये आपका विकल्प है, आपके 6 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी नीचे हैं, आपको और भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये 5वां, और आपका ये को नीचे छठवां है आपका, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आपका हो जाएगा 6वां। ठीक है, इसके जो विकल्प हैं आपके दूसरे पेज में, ठीक है, 6वें के, तो इसके आपके यहाँ पर ये विकल्प हो जाएंगे, इसको नोट कर लेना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, जो कि कुछ उत्तर तो इस पर डले गए हैं, तो आप लोग यहाँ से उत्तर इनके कर सकते हो। ठीक है, और ये सारा कुछ याद कर लेना, 7 नंबर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपके नीचे आती है, देख लीजिए, सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी आप लोग देख सकते हो, सही जोड़ी है प्रश्न क्रमांक 3 में, इसमें 6 नंबर की देखने को मिलेगी, और जोड़ियों का जो उत्तर है बिल्कुल सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा, देख लीजिए, मार्टिन लूथर। ठीक है, पहले का जर्मनी वाले का। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे का भूमिगत नहर हो जाएगा, और तीसरे का हो जाएगा पैजा का, हो जाएगा कहाँ पर गया, पैजा का होगा सुरक्षित यात्रा हेतु व्यापारियों को दिया जाने वाला पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से इनको आप लोग कर लेना। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोग देख सकते हैं, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इनके उत्तर लिखे गए हैं, पहले का देख सकते हो, मिट्टी की, यहाँ पर देखिए वाटिकाओं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। और इसके बाद चौथे का भी इसमें आंसर दिया गया है, चंगेज़ खान। ठीक है, और यहाँ पर इनका हो जाएगा 2 नंबर, लास्ट के में, कौन से में, 6वें में और 7वें में। ठीक है, 7 नंबर का है आपका। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको सत्य सत्य देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको 1 से लेकर 6 तक देखने को मिल रहे हैं, 6 नंबर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना, अपनी परीक्षा अध्ययन वगैरह से इनके उत्तर सर्च कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आता है, देख लीजिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 आपका यहाँ से आता है, मेसोपोटामिया सभ्यता की कोई 2 स्थान लिखना है। ठीक है, ये हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आपके, और जो कि त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में तक यही क्वेश्चन आते हैं अभी तक तो फिलहाल। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेना। दूसरे अथवे का आप लोग कर लेना, 7वां देख लीजिए आप लोग, 8वां देख लीजिए, 9वां, 10वां देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, 10वें से 11वां देख सकते हैं, 12वां 13वां यहाँ पर, और 13 से आप लोग नीचे देख सकते हैं, 13 से 14 15, और ये ना आपका 16। 16वें का आप लोग देख सकते हैं कुछ उत्तर डला गया, बट आप अपनी परीक्षा वगैरह से इसको कर लेना। ठीक है, एक बार अच्छे प्रकार से आप लोग देख लीजिए, और जो भी कुछ आपको देखने में प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बता दें। ठीक है, और 17वां आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, 17वां आप लोग देख लीजिए, और 18वां आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट और मेसोपोटामिया इन लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए, 3-3 नंबर के होने वाले हैं आपके। ठीक है, यहाँ से 3-3 नंबर मार्क के आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 19वें से 20वां आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 20वें से आपका 4 नंबर के स्टार्ट हो चुके हैं, देख लीजिए। कुछ छात्र क्या करते हैं, उनको ऐसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बड़े शब्दों में, तो देखो अगर आप बना के भी लिखते हो तो अभी आपको कुछ ना कुछ नंबर तो देखने को मिलेंगे। कोशिश पूरा करो, करा करो कि पूरा पेज भरा हो जाए, ताकि देखने में अगर कोई टीचर चेक भी करे तो ऐसा लगना चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए, और देखने में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो लिखा है, बट उसमें कोई टीचर पढ़ता तो ऐसा है नहीं, लेकिन तो भी उसमें दिख ही जाता है कि लिखावट से और अंदर से ही दिख जाता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, यानी कि शब्द जो आप कर सकती हो उसका। इसके बाद यहाँ से आपका जो पेपर है वो एंड होता है, इसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए स्थान और पहचान और इसके नाम लिखना है, क्योंकि मैप तो और आपको दिए जाएंगे, तो ये सारा कुछ तो आप लोग कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर जो कि हमने आपको दिखा दिया है। अगर आपको जो भी कुछ डाउट वगैरह हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।